महिला फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी रेंजर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, थाने पर नहीं हुई सुनवाई तो एसपी से की शिकायत। शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र के रहने वाली एक महिला ने फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी रेंजर पर कमरे पर बुलाकर गलत हरकत करने और नजायज रुपयों की मांग करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत मंगलवार को जनसुनवाई में एसपी को दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि वह नरवर की रहने वाली, उसने कस्बे के ठाकुर बाबा के पीछे लगभग 2 बीघा जमीन और लोगों की देखी साफ कर खेती के लिए तैयार की थी, जिसका पता जब शेरगढ़ बीट पर पदस्थ फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी रेंजर को लगा तो दोनों ने मुझे जमीन से बेदखल करने की धमकी देकर 15,000 रुपये की मांग की और मेरा मोबाइल नंबर ले लिया, जिसके बाद 20 दिन तक फोन करके परेशान किया। परेशान होकर जब मैं 23 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड के कमरे पर रुपये देने गई तो गार्ड साहब ने मुझे अंदर बैठा लिया और कहा कि आप यहाँ बैठो, मैं डिप्टी साहब को बुलाकर आ रहा हूँ। इसके बाद फ़ोन काट दिया और गार्ड साहब ने लाइट बुझा दी एवं बुरी नीयत से मेरे साथ पकड़ा धकड़ी कर मुझे ज़मीन पर पटकने की कोशिश की तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तब तक मेरे बटाई नारायण सिंह बघेल एवं कल्ली गुर्जर मौके पर पहुँच गए। इस पर गार्ड साहब उनको धमकी दी कि यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर उन्होंने कहा कि यहाँ महिला की रोने की आवाज़ आई है। इसके बाद गार्ड साहब एवं मेरे बटाईदार आपस में बहस हो गई एवं हाथापाई होने लगी। मैं वहाँ से निकलकर कमरे से बाहर आ गई, जिसकी रिपोर्ट करने मैं अपने बटाईदारों के साथ थाने पर गई, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं की एवं मेरा मोबाइल छीन लिया। महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी रेंजर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। कहाँ से आई हो आप? नरवर। एसपी ऑफिस आई हो, क्या समस्या लेके आई हो? क्या समस्या लेके आई हो? मैं ये समस्या लेके आई हूँ कि गार्ड साहब ने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए मैं आवेदन देने आई हूँ यहाँ। कौन है गार्ड साहब? अनिल शर्मा। अनिल शर्मा ने कब किया था आपके साथ? 23 तारीख। तो थाने रिपोर्ट करने नहीं गई आप? थाने में रिपोर्ट करने गई तो वहाँ पे एमपीआई सामने मेरी रिपोर्ट नहीं हुई। अरे सुनवाई नहीं हुई आपकी? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ पे। तो यहाँ कितनी बार आ गई आप? यहाँ पे मैं 25 तारीख में आई थी, तो यहाँ से भी अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब दूसरी बार आई हैं आपसे? यहाँ मैं पता पाने आई हूँ कि कुछ हो रहा है। अब क्या चाहती हो आप? मैं उसके खिलाफ ऐसे तो लेट्स होंगे, यहाँ बदतमीजी होगी तो लेडीज कैसे रहेंगी, इसलिए उस पर कुछ तो किया जाए। अरे कार्रवाई चाहती हो आप? हाँ, कार्रवाई चाहती हूँ।